आज है 14 जुलाई 2017 तक लग हेडिंग दिया है मीठे बच्चे, उस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनाद नाटक है, इसमें कुछ भी बदली सदली नहीं हो सकता। रिकॉर्ड चला है तूने, रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के, 24 घंटे लगे पड़े हैं कमाई में खाने के लिए। मनुआ जीवन अमोल है, कौड़ी बदले जाए रे, काय के बदले में, कौड़ी के बदले में अमोल जीवन जा रहा है। इतना बढ़िया गीत है, बढ़िया है कि ब्राह्मणों के लिए बुढ़िया हो गया। अभी बढ़िया है, है? गीत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना, किसने सुना? बच्चों ने, माना बच्चा बुद्धियों ने ये गीत ध्यान दे करके सुना। जो बूढ़े हो चुके हैं उनको तो इन बातों से गहराग आ चुका है। क्या कहा? जो बूढ़े अनुभवी हो चुके हैं इस दुनियादारी के सुखों के, उनको तो इन बातों से, इन गीतों से वैराग आ चुका है। तो बच्चों ने ये गीत सुना, अब इसमें कोई अक्षर राइट भी बाबा भी मान लेते हैं। आखिर बच्चे महात्मा होते हैं, बच्चा बुद्धि है तो क्या हुआ? अब इसमें भी कोई अक्षर राइट भी है तो रंग भी, मुख में तो सिमरन किया नहीं जाता है, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े, तो बाप कौन सी दुनिया में आवेगा? आवेगा कि आया हुआ है, दुख की दुनिया में आया हुआ है। अब इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा है अभी। सुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े, माना बाप हर युग में नहीं आता है। सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण सुख होता है, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं, त्रेता में भी नाम निशान नहीं। जब द्वैत द्वापर शुरू होता है, दो दो मतें शुरू होती है, तब थोड़ा दुख शुरू होता है। और अभी कलयुग के अंत तक आते आते अनेक मत मतांतर दुनिया में खड़े हो जाते, एक ही परिवार में अनेक मतों की आत्मा इकट्ठी हो जाती है। तो जब बहुत अशांति हो जाती है वाइब्रेशन की, वाचा की, वृत्तियों की, और फिर कर्मेंद्रियों की भी बहुत व्यभिचार हो जाता है, तो बाप को भी आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। क्या ये मीठे मीठे बच्चों को मालूम है? जो भगत बच्चे हैं वो बाप को प्रिय नहीं है, उतने मीठे नहीं लगते, क्योंकि वो कौन सी प्राप्ति करने के लिए मांग करेंगे बाप से? अंतकाल की इसी जन्म की प्राप्तियों की मांग करते हैं, तो जैसे भगत बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञान ही तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्पकाल की प्राप्तियों में अपनी बुद्धि को नहीं डुबोते,
काहे में डूबोते हैं? 21 जन्म और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों की भी जो प्राप्ति होती है, माना पूरे ही 84 जन्मों की जो प्राप्ति करने में पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मीठे मीठे बच्चों को मालूम है। अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, इस दुखधाम के लिए हमारी पढ़ाई का लक्ष्य नहीं है। हम राजयोग की पढ़ाई का जो लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं, वो लक्ष्य सत्युग में हमको प्राप्त होगा। ऐसे कलयुग दुनिया की हमें कोई प्राप्ति नहीं करनी है। यहाँ पे ये आखिरी जन्म है सबका, सारी दुनिया ही दुखी है। आखिरी जन्म में दुख होगा तब तो नई दुनिया में सुख मिलेगा। अगर इस जन्म में पूरा दुख रूपी अंधियारा न हुआ तो पूरा सुख कैसे मिलेगा? जैसे बाबा कहते हैं फुल प्रिंस कब बनेंगे? जब फुल बैगर बनेंगे। तो पूरा दुख अगर इस दुनिया में हो जाता है तो हमको फायदा है कि घाटा है? फायदा है। अच्छा, अभी तो बहुत शांति का पीरियड चल रहा है, अभी तो कोई दुख और अशांति नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान से ऐसे ईसाइयों की बौद्धियों की कोई मारामारी नहीं चल रही। जब मारामारी की दुनिया शुरू होगी तब पता लगेगा कि दुख अच्छा लगता है कि सुख अच्छा लगता है। क्यों? दुख अच्छा लगेगा नहीं लगेगा है? अभी बाप आया हुआ है छत्र छाया बन करके, कितने भी दुख के पहाड़ टूट पड़े लेकिन बाप हमारा रक्षक है। तो जो बच्चे छत्र छाया के अंदर होंगे वो कितना भी दुख क्यों न पड़े, उस दुख के परिस्थिति में भी अपने को सुखमय स्थिति में अनुभव करेंगे। तो हम दुख की दुनिया की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं करते। हम कहाँ के लिए इच्छा कर रहे हैं? सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुखधाम। हमारी पढ़ाई का लक्ष्य सुखधाम और शांति धाम। तो वहाँ जाना है क्या? सुखधाम में और शांति धाम में जाना है क्या? वहाँ जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहुत से तो स्टूडेंट आज की दुनिया में इसीलिए पढ़ाई पढ़ते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, फर्स्ट क्लास मार्क्स के पास होंगे BA MA में, तो हो सकता है कि विदेशी गवर्नमेंट हमको बुला ले, या हमारी देशी गवर्नमेंट ही हमको विदेश में पढ़ाई पढ़ने के लिए भेज दे। तो कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? सुखधाम और शांति धाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाना है कि नहीं जाना है? जाना है कि सुखधाम शांति धाम को यहाँ आना है, है? शांति धाम और सुखधाम पहले होती है जीवन मुक्ति। हमारी बुद्धि में पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति तो शांति धाम की स्टेज है, उससे भी ऊंची स्टेज क्या है? जीवन भी रहे और जीवन में रहते हुए सुख शांति रहे, ये हमारा लक्ष्य है। तो पहले होती है जीवन मुक्ति लक्ष्य रूप में। शांति धाम तो घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। ऐसी स्टेज जब बनती है, जब निसंकल्प स्टेज हो, बीज रूप स्टेज हो, तो ऐसी स्थिति में रहने वाला अगर कोई कर्म करता भी है तो उसका कोई फल नहीं बनता।
इसलिए बताया कि काम किया है न किया है बराबर हो गया। जैसे कि काम किया ही शांति धाम में कोई पास नहीं बजाया जाता, आप तक घर में चले जाते हैं वहाँ कोई पास नहीं बजाती, पास स्टेज पर बजाया जाता है। ये दुनियावी जो रंगमंच है, स्टेज है, वो साकार है या निराकार? साकार स्टेज है, वहाँ पाठ बजाया जाता है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। इनके आद्य मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा नहीं सकता। क्या आदि मध्य अंत तो बता सकते हैं, आदि में है कृष्ण, सती जी कृष्ण कहो या संगमी जी कृष्ण कहो, मध्य में है राजा विक्रमादित्य अथवा उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला उसका बाप या गुरु, और अंत में है बैगर टू प्रिंस, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। लेकिन ये तो काटपट बात हो गई, उसमें राज की बात कैसे समझे? राज क्या हुआ, डिटेल क्या हुआ, गहराइयां क्या हुई? ये आज मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं बता सकता। वास्तव में ये यात्रा है 84 जन्मों की, जिसमें कुछ आज के जन्म है, कुछ मध्य के जन्म है और कुछ अंत के जन्म। यात्रा कहें अथवा युद्ध कहें, युद्ध अक्सर भी सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। हमारा कोई युद्ध है नहीं, गीता में भी क्या लिखा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दुनिया एक कुरुक्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, कर मरो या मर मिटो, धर्म क्षेत्र है, धर्म करो या अधर्म करो। तो ये युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम मिलाते हैं। वास्तव में हमारा कोई किसी से स्थूल युद्ध है नहीं, पांडव तो किसी से लड़ते नहीं, उसमें युद्ध आदि की कोई बात है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो यार जिसे विघ्न पड़ते, परंतु हम याद करते करते पावन बन जाएंगे तो विघ्न पड़ना भी बंद हो जाएगी। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना आना नहीं है, क्या कहा तो परम धाम जाना है या सुख धाम जाना है, ये जीवन में रहते रहते ऐसी स्टेज बनानी है, आत्मा ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए कि कभी परम धाम का अनुभव करे, निसंकल्प स्टेज, कभी सुखधाम का अनुभव करे, सुख का नाम निशान नहीं, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद की अनुभूति हो, तो
तो कहीं जाने आने की बात हुई क्या? नहीं, बुद्धि को सिर्फ व्यायाम कराने हैं। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाने हैं। पहले जागेंगे शांति धाम, माने बुद्धि को शांति धाम की स्टेज में ले जावेंगे। परंतु कब ले जावेंगे? शर्त क्या रख दे? पावन बनेंगे तो परम धाम का अनुभव करेंगे। दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, मन वचन कर्म से, तन से, मन से, धन से विचारी बनते रहेंगे तो वो स्टेज नहीं बन सकती निसंकल्प स्टेज। निसंकल्प स्टेज बनने के लिए प्योरिटी पहली शर्त है बाप के घर जाने की। अपवित्र तो जा ही नहीं सकते। अपन को आत्मा समझना है, तुमसे ऐसी कहां से आती है? आत्मा समझने से कभी इंप्योरिटी नहीं आई। क्या समझने से आती है? देवान आता है तब इंप्योरिटी आती है। पहले देवान, फिर अपवित्रता। तो अपन को आत्मा समझना है। मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, अपार सुखों का भी पार्ट है और अपार दुखों का भी पार्ट है। क्यों है? अपार सुखों का पार्ट किस दुनिया का है? सत्युग त्रेता में क्या खासियत होती है जो यहाँ अपार सुखों का पार्ट है? बॉडी कॉन्शियस नहीं है, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप को याद रहती है। और दूसरी बात है, वहाँ कोई प्रकार का भी विचार नहीं है। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। विचार कहाँ से पैदा होता है? द्वापर युग, द्वैत वाले युग से। तो वहाँ से दुख शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना पड़े कि मुझे आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है, सुख का भी पार्ट है, दुख का भी पार्ट। अभी संगम युग में मैं कौन सा पार्ट बजाऊं? कारण का तो पता चल गया कि आत्मा में दुख कहाँ से आया और आत्मा में सुख का पार्ट कहाँ से आया, क्यों आया। अभी 84 जन्मों का पार्ट पूरा होता है। बाप राय देते हैं, बहुत सहज राय देते हैं। क्या राय देते हैं? 84 जन्मों का पार्ट पूरा करने के लिए क्या राय देते हैं? ये सुख दुख का जो पार्ट है उसे पूरा करने के लिए क्या राय देते हैं? बहुत सहज राय देते हैं। मुझे याद करो, मुझे याद करो। तथाकथित ब्राह्मण इसका अर्थ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? मुझे बिंदी को याद करो। अरे बिंदी को याद करें? कोई पार्टिकुलर बिंदी है क्या? हो सकती है कोई पार्टिकुलर बिंदी हो सकती है कि कोई लाल स्पेशल बिंदी हो या सफेद हो या पीली हो या बड़ी हो, जैसे शिवलिंग भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बड़ा बनाए देते हैं, तो कोई बहुत बड़ा बिंदा हो, ऐसा तो कुछ
है नहीं, आत्मा आत्मा बिंदु बिंदु सब एक जैसी, सभी अनुरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तो कौन से बिंदु को याद करें? जरूर कोई बिंदु की पैक्यूलिटी होनी चाहिए, तो पार्ट से पता चलता है। वो परमात्मा पार्ट, सुप्रीम सोल का पार्ट, वो शिवशंकर भोलेनाथ का पार्ट, वो पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है? ब्रह्मा का पार्ट अलग ज्ञान होना चाहिए, विष्णु का पार्ट अलग ज्ञान होना चाहिए, और शंकर का पार्ट अलग। क्या बोला है? तुम वंडरफुल एक्टर हो, तो उसमें भी तो नंबर वाली होंगे। क्या बोला? शंकर का पार्ट है वंडरफुल, जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, इतना वंडरफुल। तो बहुत सहज राय देते हैं, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ आते जाते नहीं हो, तो सुख धाम में जाते हो या शांति धाम में जाते हो? नहीं, बात आकर के कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम पागल बन जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और डकैत को याद करो तो क्या हो जाएंगे? डकैत हो जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो चोर हो जाएंगे। जैसे को याद करेंगे बुद्धि वैसी ही बन जाएगी। पत्थर को याद करेंगे तो बुद्धि, मैंने बुद्धि रूपी आत्मा पत्थर बुद्धि हो जाएगी। तो मुझे याद करो, मैंने सिर्फ बिंदी को याद करें तो पावन नहीं बन जाएंगे। अरे अभी तो बताया पहला पहला लक्ष्य हमारा क्या है, पावन तो बनना। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट पावन भर करके घर नहीं जाते हैं क्या? जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं, वो भी पावन बनते हैं। तो हमें कैसा पावन बनना है? देवताओं जैसा पावन बनना है या विदर्भियों जैसा पावन बनना है? पहले बताया कि पहले पहले है हमारा लक्ष्य जीवन मुक्ति। हमारा लक्ष्य सिर्फ शांति धाम में जाने का नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने का नहीं है, मुक्ति से भी ऊंची स्टेज है जीवन मुक्ति। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, माने मुझे जो कहने वाला है वो शांति धाम की स्टेज में ही रहने वाला है या सुख धाम की स्टेज में भी रहने वाला होगा? शांति धाम की भी स्टेज में रहने वाला होगा और सुख धाम की स्टेज में भी रहने वाला होगा। और ईश्वरीय सेवा के लिए जो दुख की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, दुख की अनुभूति कर रहे हैं, बंधन में हैं, उनको बंधन से छुड़ाने के लिए उनके नजदीक भी जाने वाला होगा। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे भी ये तीन अवस्थाएं बनाओ। कौन कौन सी? साकारी माने दुख धाम की स्टेज, ज्यादा टिकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईश्वरीय सेवा में ढेर सारे जो विघ्न आते हैं, अवस्था नीचे ऊपर होती है उसका मुकाबला करने के लिए। अगर मुकाबला कम नहीं होता तो उससे क्या होता है? अगर मुकाबला कम नहीं होता है
तो उससे क्या होता है? तीसरी सेवा में अगर मुकाबला कम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो और ज्यादा बिघ्न आएंगे। इसलिए कहीं जैसे ऊंची स्टेज पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो बहुत जोर से तूफान आता है, तो तूफान से बचने के लिए क्या करते हैं? और ऊपर चढ़ते हैं, कभी शेल्टर भी लेना पड़ता है, कभी किसी पहाड़ी की शरण भी लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही कभी कभी होता है कि सूर्य सेवा में हमको बहुत मुकाबला करना पड़ता है, और ज्यादा मुकाबला करें तो अनिश्चित हो जाए। चलो हमारा अनिश्चित न हो, जो हमारे से मुकाबला कर रहा है उसका कोई बड़ा पाप कर्म बन जाए, तो थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। कहाँ? दुख धाम में थोड़ा तसल्ली से रहना पड़ता है, धीरज धर। तो दुख धाम की स्थिति का भी हमें अनुभव करना होता है, सुख धाम का भी अनुभव करना होता है और शांति धाम का भी अनुभव करना होता है। युद्ध कोई है नहीं, युद्ध कब होता है? दोनों हाथों से युद्ध होता है, दो हाथ से ताली बजती है या एक हाथ से? दो हाथ से ताली बजती है। एक आदमी लड़ना चाहता है और हम भी लड़ाई शुरू कर दें, एक आदमी हाथापाई करता है और हम भी बजाय भाग जाने की क्या करें, हाथापाई शुरू कर दें, तो क्या होगा? तो घनघोर युद्ध हो जाएगा। एक बोलता है और दूसरा भी बोलना शुरू कर दे तो क्या होगा? बाकी युद्ध हो जाएगा। तो हमारा कोई भी युद्ध है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, ये सदैव याद रखें कि बाबा ने हमको कौन कौन सी युक्तियां दी हैं, किस किस परिस्थिति में क्या क्या करना है, माया पर जीत पानी है, चाहे काम की माया हो, क्रोध की माया हो, लोभ की हो, मोह की हो, अहंकार की हो, जीत पानी है। जीत पाने के लिए युक्तियां अपनानी, बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना, कितने का चक्कर? 84 का, 83 का नहीं, क्यों है? बयासी जन्म हो गए नहीं, कोई बच्चों का 82 जन्म का चक्कर नहीं हो सकता है? हाँ, बाबा 84 जन्म लेने वाले बच्चों से बात करते हैं जो ऑलराउंडर कार्ड धारी है, ऑलराउंडर है, पूरे 84 जन्मों का जिनको अनुभव है, ऊंचे से ऊंची सुख में इस स्टेज का भी जिन्होंने अनुभव किया है और नीचे से नीची सुख में इस स्टेज का भी जिन्होंने अनुभव किया है, सुख में तो सुख में स्टेज है ही, लेकिन दुख में ही अपनी स्टेज, जिसे कहते हैं कभी कभी कहाँ तक सहन करें, तो कहाँ तक सहन करें माने घबराए रहे, कुछ न कुछ 84 जन्म में से कमी है, पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं, कोई ऐसे बोल निकलते हैं, ऐसी फीलिंग आती है अथवा भाग खड़े होने की इच्छा होती है, कुछ में बार मनुष्य तो मनोबुद्धि वाले होते हैं ना, भारत में जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन जुड़े ही बदलेगी, भारत की जमीन तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना, मनुष्य पुकारते दिए हैं कि आकर के हमको पतित के पावन बनाओ, आकर के पावन बनाओ,
तुम ब्रह्मतन में आओ और आकर के चले जाओ, फिर हम पावन बनते रहेंगे। पुकारते हैं हे भगवान आओ, ब्रह्मा के तन में पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ और हम पावन बनते रहेंगे। क्या वो क्या कहते बुलाते हैं, आओ इसलिए आओ, पति से पावन बनाने के लिए आओ, ये कह करके नहीं बुलाते कि ज्ञान सुना करके चले जाओ, ज्ञान सुनाकर पावन बना के चले जाओ, नहीं आओ। और आखिरी लक्ष्य क्या है, पति से पावन बना करके जाओ, ज्ञान सुना के चले जाना सिर्फ। ये भाषणबाजी तो दुनिया में बहुत गुरु करते रहे, जितने गुरु आए सबने ये भाषणबाजी कर दी, क्या ज्ञान सुनाया और चले गए, दुनिया भर बाद में पतिती बनती रही और बनती रही। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, ये बात तो सच्ची है ना, दुनिया तो नीचे ही गिरती चली गई, किसने प्यार बढ़ता गया, सहानुभूति बढ़ती गई, नहीं बढ़ती गई। तो मनुष्य पुकारते भी हैं कि आकर के हमको पति से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है जो आकर के हमको पति से पावन बनाते हैं और कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, बिंदी बन के फुदक फुदक के आते हैं या पाँव पाँव आते हैं, पाँव पाँव आते हैं, ट्रेन से नहीं आते, कैसे आते हैं कुछ नहीं जानते है, बिंदी बन करके आते हैं या साकार में पाँव पाँव आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, कार से आते हैं, कुछ भी नहीं जानते, क्या जानते हैं, आते हैं वो मालूम है, कब आते हैं कब चले जाते हैं वो मालूम है, मालूम है। हैं? हैं? एक स्कूटर से आता है, अच्छा कैसे आते हैं कुछ नहीं जानते, अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया, अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, क्या समझदार बनाया, कैसे आते हैं कब आते हैं कब चले जाते हैं ये जान गए, क्या जान गए, आना और जाना पता चला, कब आते हैं कब चले जाते हैं पता चलता है, मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा भी नहीं, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कि मैं कब आता हूँ, कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो, अभी बाबा तुम्हें समझदार बनाया है, क्या समझदार बनाया, कि बिंदी रूप में नहीं आते हैं, जरूर कोई साकार तन में आते हैं और जब आते हैं तो बच्चों को पता चलता है, क्या आते हैं क्योंकि साकार तन है तो पता तो चली जाए, और जाते हैं कोई बिंदी तो है नहीं, है तो साकार तो जाते हैं तो ही पता चल जाता है, तो कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो, वहां के गरीब भी बहुत ऊंच है, कहां के जो नई दुनिया होगी वहां के गरीब भी बहुत ऊंच होंगे, यहाँ के साहूकारों से तो बहुत ऊंच होंगे, बल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे उनके पास धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना, जो असली प्रॉपर्टी है आत्मा की कौन सी, प्योरिटी, वो तो उनके पास नहीं थी,
इन राजाओं के वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। क्या जो इस कली की दुनिया के राजाएं होते हैं उन राजाओं से वहाँ सतयुग की या स्वर्णिम संगम की जो साधारण प्रजा होगी वो भी बहुत ऊंची होगी। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। क्या कहा, संगम युग में भी बाप के परछाए में है, बाप की स्मृति है, बाप की याद की छत्र छाया के नीचे है, तो क्या अंतर पड़ेगा? पावन पने का अनुभव होगा। और रावण की परछा में है तो अपवित्रता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहके जो विकारी राजाएं हैं, वो निर्विकारी देवताओं के आगे अपन को पतित कह के माता जरूर देखते। कब की बात? द्वापर कलयुग की बात। अभी संगम युग की बात नहीं होगी ये है? संगम युग में भी ये होगा। क्या होगा? जो पतित पने में रहने वाले हैं, ईश्वरीय सेवा तो करते हैं लेकिन स्वार्थ बुद्धि बनकर के करते हैं, अंदर से चालाकी भरी रहती है। तो ऐसी स्वार्थ युक्त सेवा करने वाले राजा तो बनेंगे लेकिन कौन सी युग में राजा बनेंगे? पतित युग में राजा बनेंगे। बूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो गीता में शब्द आया है, ऐसी बूढ़ा समय जन्म जन्मांतर राजा ही चलेंगी लेकिन कहाँ राजा ही लेंगी? पतित दुनिया। तो निर्विकारी देवताओं के सामने जाकर के विकारियों को वो अधूरे देवताएं बनते हैं। कैसे देवताएं बनते हैं? अधूरे देवताएं। उनको माथा जरूर टेकना पड़े। माथा टेकना माना उनको झुकना पड़े। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ाई देते। कहाँ आते हैं? बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ाई देते हैं। और गुरु लोग यहाँ आते हैं तो फट से नीचे गिरा देते। ये गुरु कहाँ होंगे? सतयुग त्रेता में होंगे, द्वापर कलयुग में होंगे, संगम युग में भी होंगे। द्वापर कलयुग की ही बात नहीं है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी ऐसे गुरुओं का पार्ट बजाते हैं। अभी पतित से पावन पने की बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? पतित पावन, पतित से पावन बनाने के लिए मैं आता हूँ। तो गुरु लोग अपन को समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? हम पतितों को पावन बनाने आए हैं। तो स्वार्थ बुद्धि जो है उसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है संगम युग में? लास्ट में उनको माथा झुकाना पड़ेगा। तो बाप आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ाई देते हैं और गुरु आते हैं तो फट से नीचे गिरा देते। एक सेकंड की बात है। क्या सेकंड की बात है? निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप आकर ऊंचे ऊंचे चढ़ाई देते हैं। श्रद्धावान लवते ज्ञानम। बाप पर जिनकी श्रद्धा बैठ जाती है, निश्चय बैठ जाता है, उनको फट से ऊंच चढ़ाई देते हैं। और गुरु लोग बाप के ऊपर से निश्चय हटा, अनिश्चय बुद्धि बने और कोई गुरु के ऊपर निश्चय धारण कर लिया तो गुरु फट से नीचे गिरा देती है। एक सेकंड की बात है, नीचे चढ़ाने में और ऊपर चढ़ाने में। अभी बाप ने तुमको तीसरा नेत्र दिया, इन आंखों से तो बाप देखा नहीं जाता,
इन आंखों से वो बिंदी बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा जा सकता कि कौन से तन में आया हुआ है, देखा जा सकता है? इन आंखों से देखा जा सकता है? बिना की आंखों से ज्ञान की नाथ नेत्र से देख सकते हैं। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप ने आकर के दिया है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। तो अज्ञान का अंधेरा वो किलमिश का विनाश हो जाता है। ऐसे कपड़े पहनता है काले कपड़े अज्ञान अंधकार। तो बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, ये ज्ञान का नेत्र है। कोई तीसरा नेत्र होता नहीं है तो कोई शंकर को तीसरा नेत्र होता हो तुम बच्चे दूरंदेशी बन जाते। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद, कहां से लेकर मूल वतन से लेकर साकार वतन तक, मूल वतन से सुखदाम और सुखदाम से दुखदाम तक का सारा चक्र 84 का तुम्हारी बुद्धि में। जैसे हद का ड्रामा देख करके फिर आए सुनाते हैं कि हमने क्या क्या देखा, ऐसे ही अभी 84 का चक्कर हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा। ऐसी आत्मा समझदार बन जाएगी। एक्टर समझदार कौन सा है और बेसमझ एक्टर कौन सा? जो अपने पार्ट को भली भांति जानता हो और एक्ट करता हो वो है समझदार एक्टर, और जो अपने पार्ट को ही भूल जाए, रंगमंच पर जाए और खड़ा हो जाए तो सब हंसेंगे, ताली बजा देंगे। उसको अपना पार्टी भूल गया, क्या बोलना था, क्या ऐसे करना था, तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ जो तुम वर्णन करते हो क्या था? हमारी आत्मा में कौन कौन सा पार्ट है वो बाप दादा बोर्ड पर लिख करके बता देंगे, कागज पर लिखकर बता देंगे, बुक से बता देंगे, यह हर आत्मा अपने अपने एक्ट का स्वयं ही है अनुभव करेगी और बतावेगी। हर आत्मा प्रूफ सहित बतावेगी कि हमारा ये एक्ट है, हमारा अमुक जन्मों का ये पार्ट है। तो तुम्हारी बुद्धि में भरा हुआ है जो फिर वर्णन करते हो, उनकी दृष्टि से, व्यक्ति से, कर्म से, उनकी चलन से उनका पार्ट प्रत्यक्ष होगा। 14/7/2000 की वाणी का दूसरा थी। तो बुद्धि में आत्मा का पार्ट भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, आत्मा में भर कर आते हैं, फिर आकर के डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में ऐसे बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है, वहां तो चेंज हो जाती है। यहाँ चेंज नहीं हो सकती, वहां तो कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। हर एक का पार्ट फिक्स है। तुम जानते हो हम आत्मा, ये शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर सब बदलते जाते हैं। एक्टर को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना, बाप बच्चों को ये चक्र का रहस्य तो समझाते रहते हैं। सती से लेकर के कलयुग तक जाते हैं, आते हैं सती से लेकर कलयुग तक, फिर जाते हैं, फिर नए सिरे आकर के पार्ट बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। क्या कहा?
कितना टाइम लगता है, है? इस चक्र की डिटेल समझाने में कितना टाइम लगता है, है? टूटिंग का राज समझने में कितना टाइम लगता है? एडवांस में जब से आए तब से शूटिंग का ज्ञान हुआ, उससे पहले सामान्य नॉलेज थी, तो दोनों मिलाकर के कितना टाइम लगता है, है? जब तक जीना है तब तक पीना है, जब देहभंग से मर जाएंगे टोटल 100% तो पीना बंद, निश्चय बैठ जाएगा अपने पार्ट के ऊपर। तो बोला डिटेल समझाने में टाइम लग जाता है, बीज में भल नॉलेज है। क्या कहा? जो सारे मनुष्य शक्ति रूपी धार का बीज है उसमें भल नॉलेज समाई हुई है, फिर भी उस नॉलेज को समझाने में टाइम लग जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, तो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वो समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इसका बीज, इसका मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज ऊपर में है। ऊपर में है का मतलब क्या हुआ? परमधाम में है। परम धाम में होने की बात नहीं, नीचे ऊपर होने की बात नहीं, ऊंची ऊंची तेज में है। इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, जिसको समझाने के लिए त्रिभुति दिखाया गया। इसकी उत्पत्ति पालना और संहार ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। जब यहाँ आए तब पता पड़े कौन आए। बाप जब यहाँ आए तो पता पड़े, जब बाप आकर के बताते हैं किसी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है और किन के द्वारा होता है। इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर के समझो। क्या कहा? अपने घर बैठ करके नहीं समझ लो, क्या करो? यहाँ आकर के समझो। मैंने समझाने वाला जहाँ हो वहाँ पहुँचना पड़े, उसके सम्मुख पहुँचना पड़े। यहाँ आकर के समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, तो कहते हमको कुछ भी सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी नहीं। क्या कहा? कट्टर धर्म कौन कौन से होते हैं? मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, वो तो कान में ही उंगली दे लेंगे। अल्लाह मियाँ के बारे में हम कोई से नहीं सुनेंगे। हम तो रोज याद करते हैं, हमको किसी से सुनने की दरकार नहीं है। मुल्ला का मतलब क्या है, है? दाढ़ी वाला नहीं, मूत ला, जो इस दुनिया में मूत की दुनिया ला देता है उसको कहते हैं मुल्ला। इस्लाम धर्म से ही मूत की दुनिया शुरू होती है, आज से 2500 वर्ष से ये मूत की दुनिया पैदाइश हुई। उससे पहले कौन सी दुनिया थी? 10 इंद्रियों की औलाद नहीं होती थी। कौन सी औलाद होती थी? 6 इंद्रियों की औलाद पैदा होती थी, 7 सुखी थे। उससे मूत की दुनिया की औलाद 7 दुखी है। तो कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं, विधर्मी कट्टर होते हैं या स्वधर्मी कट्टर होते हैं।
जो भी दूसरे धर्म के हैं, दूसरे देश के हैं, बहुत कट्टर होते हैं। दूसरे देश वालों को, दूसरे धर्म वालों को निग्लेक्ट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, भगाते रहते हैं, भागो हमारी देश। एक भारत देश ही ऐसा है जिसने माता का पार्ट बजाया, मदर कंट्री। कौन सा देश कहा जाता है? भारत। इसकी गोद में मुसलमान आए, भले आक्रमण किया, वो भी समावेश। ईसाई आए, भले आक्रामक बने, कितना नरसंहार किया, वो भी समावेश। आज भारत की राजधानी में बराबर बराबर की संख्या देखी जा सकती है। हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। हर धर्म को, हर देशवासियों को, इस देश में आए हुए भगवान को प्राप्त करने का पूरा मौका मिलता है। तो कोई कोई धर्म बहुत कट्टर होते हैं, तो कहते हैं हमको कुछ नहीं सुनना है। कोई तो फिर सुनते हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। उनको लेके कर दो तो फाड़ के फेंक देते हैं। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरंदेशी हो गई, ऐसे क्यों कहा? विशाल बुद्धि दूरंदेशी क्यों कहा? लिटरेचर देने के मामले में उसका भी तरीका बता दिया। पहले नब्ज को परख लो, थोड़ा सुनाए के देख लो, उसको पसंद आता है, पसंद आता है, कुछ सुनता है, तो लिटरेचर देना चाहिए। कुछ समझाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, ऐसे ही किसी को लिटरेचर देने से कुछ भी समझेगा नहीं, फाड़ के फेंक देगा। तो विशाल बुद्धि बनना है, दूरंदेशी बुद्धि बनना है। तीनों लोगों को तुम जानते हो, मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है उसको तुम जानते हो, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। क्या कहा? कम से कम सूक्ष्म वतन कोई आत्मा के लिए कितने साल के लिए रखते हैं? है? सूक्ष्म वतन की रचना कम से कम कितने साल की बताइए? 40 साल। माना इस दुनिया में कोई ऐसी भी आत्मा है जो सूक्ष्म वतन की साक्षात्कार की बातों को सिर्फ संगम युग में 40 साल तक मानती है, उसके बाद सूक्ष्म वतन कोई ऊपर है ऐसा कुछ नहीं मानती। सूक्ष्म वतन कुछ होता ही नहीं। बाकी जिनके अंदर भक्ति भाव के संस्कार रहते हैं, वो साक्षात्कार की बातों पर, स्वप्न की बातों पर विश्वास करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठ गया, उनकी बुद्धि से भक्ति खुल जाती है। तो सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है, बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती पांच बजन। ये झाड़ सब धर्मों का नंबर वन, ये मनुष्यों का झाड़ बिल्कुल एक्यूरेट है, उल्टा झाड़ है। गीता में भी इसका वर्णन है, मूलम मूलम मदस्ताक है, कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता, ना आत्मा और कोई जगह बैठ सकती है। आत्मा ब्रह्म महत्व तत्व में खड़े रहती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हुए। ये स्टार्स को दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं, है तो बड़े, लेकिन आत्मा न छोटी होती है न बड़ी होती और न विनाश को पाती। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो,
बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे? क्या कहा? बच्चे जानते हैं वो बच्चे नहीं बने हैं? वो इस बात को नहीं जानते कि हम गोल्डन एज सत्यु के आदि में थे, अब आयरन एज में आ गए, अभी हमारी कोई वैल्यू नहीं रही है इस दुनिया में। भला माया की चमक कितनी भी है लेकिन इस दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं रही। परंतु यह है रावण की गोल्डन एज और वो है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं छह सात वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना, तुम्हारा तो एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, कीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। जो भी मत देते हैं कौन सी भाषा में देते हैं? हिंदी में देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, हैं? ब्रह्मा बाबा भी हिंदी में ही समझाते थे, उनमें समझाने वाला समझाते नहीं थे, सुनाते थे। ब्रह्मा बाबा में भी सुनाने वाला कौन था? शिव बाबा। उन्होंने हिंदी बोली थी, क्या बोला? हिंदी में ही तो मुरली बोली ना, है? जब वो तो अंग्रेजी के भी शब्द आते हैं, उर्दू के भी शब्द आते हैं, हिंदी भाषा ही ऐसी है जो सब भाषाओं को अपने में मिक्स कर लेती है, संस्कृत भाषा है ना? तो बात तो हिंदी में ही समझाते हैं। भाषाएं तो ढेर, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुन करके फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। अब यहाँ हिंदुस्तान में आने पर इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत? लेकिन उनको प्रैक्टिस पड़ जाती है अंग्रेजी बोलने की तो यहाँ भी आकर बोलते रहते हैं। हिंदी बोल नहीं सकते, घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वो बेचारी बुझ पड़ती है। ये तो बाद की बातें समझा रही हूँ बेहद की। उनको अंग्रेजी बातें लक्ष मार होती है, माँ को लाठी मारी जाती है क्या? माँ को प्यार की ममता नहीं भूलती है, उनको प्यार से समझाओ।